नमस्कार, आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राहिला रहमान। दोस्तों, जब दर्द हद से गुजरता है तो जिंदगी थम सी जाती है और इस रुकी हुई मायूस से जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हैं वो सभी लोग जो स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका जैसे दर्द को झेल रहे हैं। लेकिन इन दर्द को झेल रहे मायूस लोगों के लिए आशा का एक नया संदेश लेकर आया है आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा आयुर्वेद की दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत, जिनके एक्सटेंसिव रिसर्च और गहन अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा की दूरदृष्टि और समर्पण से जन्मा है आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्वेदा की खासियत है आयुर्वेदा मेडिसिंस, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिंस और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में आज हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट की और इसमें हमारा साथ देंगे आयुर्वेदा के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुशवाहा का। डॉक्टर कुशवाहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर कुशवाहा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि दर्द यानी पेन किन वजहों से होता है? अगर जो आपने भोजन किया है, ठीक है, अगर उसका पाचन ठीक से नहीं होता है तो जो अपचित जो भोजन है वही हम लोग आयुर्वेद में उसको आम कहते हैं, आम में कन्वर्ट होता है और वो वही जो है फिर सभी दर्द का कारण बनता है। वो जिस शरीर के जिस हिस्से में जाकर के एक्युमुलेट होगा वहाँ पे वो आपको दर्द देता है। जी, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में पेन मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर कुशवाहा, जब पेन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का पेन स्पॉन्डिलाइटिस सुनने में आता है, ये क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? राहिला, जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ सर के नीचे से लेकर के और पीछे जो हमारे रीढ़ की आखिरी हड्डी है वहाँ तक ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब कि जो हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व है हमारी स्पाइनल कॉर्ड नर्व जो है उसके अंदर जो सूजन आती है या किसी वजह से वहाँ पे मान लीजिए कि जो वो कशेरुकाओं से जो जिन हड्डियों से वो गुजर रही है उनमें कुछ डीजनरेशन है, वो कहीं दब रही हैं, कहीं स्टेनोसिस है या कोई उस पर कॉम्प्रेशन आ रहा है जी। तो वो जहाँ पे भी मतलब मान लीजिए कि किसी को नॉर्मली जैसे आजकल लोग बाग जो है कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करने वाले हैं, जिनकी रीडिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट्स है तो उनको आप देखोगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं बार बार मिरर में देखना होता है, आगे पीछे देखना होता है, तो उनको जो वहाँ पे जो सर्वाइकल एरिया है ऊपर का जो गर्दन के यहाँ का एरिया है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। मतलब जो हमारी स्पाइन है जो 33 है उसके एरिया उसको नाम किया हुआ कि सर्वाइकल है, लंबार है, सैक्रल है, लंबोसैक्रल है, तो जिस एरिया में इफेक्ट होगा तो उस नाम से उसको एक कर देते हैं। बाकी ये पूरी स्पाइन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कुशवाहा, क्या आयुर्वेदा में स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज संभव है? एकदम संभव है और मैं आपसे बताता हूँ कि ऐसे भी केसेस मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में किया हुआ जिनको सर्जरी एडवाइज करी गई है और उनको हमने ट्रीटमेंट दिया है और उनको लाभ हुआ है। मतलब बहुत मतलब उनकी बहुत ज़्यादा डैमेजेस नहीं हो तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हम 100% क्योर कर सकते हैं। ये क्योरेबल बीमारी है ये। डॉक्टर कुशवाहा, हम पेन मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपने हमें बताया, एक और दर्द है साइटिका जिसके बारे में सुनने के लिए आता है, क्या होता है ये और किस तरह से इसे क्योर किया जा सकता है? साइटिका जो है वो एक हमारी नर्व होती है, एक नस होती है शरीर में जिसको आयुर्वेद में हम लोग गृद्रसी कहते हैं। ओके, है ना। तो बेसिकली जो गृद्रसी है या साइटिका है तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, आयुर्वेदिक एंगल से देखेंगे तो वो भी न्यूट्रिशन के कारण ही होती है।
पर वो मतलब न्यूट्रिशन आपका सही नहीं जा रहा है, उस कारण से बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी स्पाइन के डिफरेंट एरियाज में कहीं सिनोसिस होने से या कंप्रेस होने से एसाइटिक नर्व जो है यहाँ से कमर से निकल करके ये नीचे पैर तक आती है, तो उसमें पेन होता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज का वेट बढ़ जाता है तो उस वजह से भी मतलब ड्यूरिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन जो है वो साइटिका नर्व में पेन होता है, तो उसको साइटिका कहते हैं। साइटिका मतलब हम लोग 100% हम क्योर कर सकते हैं, हमने काफ़ी लोगों को क्योर किया हुआ है। उसमें वही है कि लोग बाग जो है खाना पीना तो नहीं ले सकते हैं, उसकी हमारी गारंटी नहीं होती है, लेकिन जो हम मेडिसिन के फॉर्म में जो हमने एक जो फॉर्मुलेट किया है जो प्रोडक्ट, उसमें वो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। उसमें मतलब कैल्शियम का भी जो नेचुरल फॉर्म है, जो गोंद होता है जैसे गोंद का तीरा है, तो उसमें कैल्शियम नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो वो हमने ऐड किया हुआ है। और ऐसी वनौषधियाँ डाली हुई हैं जो वात का नाश करती हैं। अच्छा, प्रूवन है। हाँ, इन मेडिसिन के अलावा क्या किसी तरह की एक्सरसाइजेस भी आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, जो एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी, जो पेन की जो भी कंडीशन है, तो डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, है ना, तो आयुर्वेद क्या कहता है, या हम आयुर्वेदा में यही बिलीव करते हैं कि हमको जड़ में जाना है, कारण को ढूंढना है, कारण को ठीक करना है, तब जाकर के परमानेंट जो है बीमारी ठीक हो पाएगी। अगर आयुर्वेदा में आप मेडिसिन सजेस्ट करते हैं तो क्या उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? डेफिनेटली देखिए, जिसके पास अब देखो इसमें ऐसा है ना कि हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है ना, तो हम रूट कॉज में जाते हैं, उसके डाइजेशन को ठीक करते हैं, ताकि वो जो साइकिल जो ब्रेक हो गया था रस से लेकर के जो है वो आखिर तक जो है शुक्र तक जो है वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, उससे सारे शरीर को प्रॉपर नॉरिशमेंट मिले, पोषण मिले, तो उसकी मांस भी अच्छी हो जाएगी, उसकी नसें भी अच्छी हो जाएंगी, उसकी बोन्स भी अच्छी हो जाएंगी, जो सप्तधातु है उसको जो है वो सारी मजबूत हो जाएगी, तो अपने आप बीमारी जो है वो क्योर हो जाती है। बिल्कुल, बेसिक से अगर आप लेंगे तो पूरी तरीके से बॉडी क्लीन ही हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। डॉक्टर कुशवाहा, हमने स्पॉन्डिलाइटिस की यहाँ पर बात की, साइटिका की, ऐसा ही एक दर्द है न्यूरालगिया, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? न्यूरालगिया जो है जब नसों में एक खिंचाव के जैसे है ना, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको रह रह करके ऐसे कई कई पर्टिकुलर बॉडी के, किसी को फेस में, किसी को बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ऐसे पेन होता है, जैसे मतलब वो बोलते हैं करंट जैसा लग रहा है, करंट जी, जो स्पास्मोडिक खिंचाव के साथ दर्द होता है उसको न्यूरालजिया कहते हैं। लेकिन डॉक्टर कुशवाहा, जब भी पेन होता है तब इंसान बस चाहता है कि कैसे भी ये पेन दूर हो जाए, जल्द से जल्द दूर हो जाए, इसीलिए पेन किलर्स लेता है। ऐसे में अगर वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ता है तो क्या आपके पास भी ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको इंस्टेंट रिलीफ वो एक इंसान को पहुंचाएं? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तो अभी पूरी दुनिया जानती है और सभी लोग जानने लगे हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स का इस्तेमाल पेशेंट करता है तो किडनी फेलियर होता है। आज मैक्सिमम जो किडनी फेलियर की जो केसेस हो रही हैं वो सब ये पेन किलर्स और एंटीबायोटिक और उसकी वजह से ही होता है। वो जो पेन किलर जो है वो 4 घंटे के लिए तो उसका दर्द तो समाप्त कर देगा, लेकिन उसको दूसरे बहुत सारे साइड इफेक्ट देगा। और विश्वास करिए कि जो हमारे पास जो मेडिकेशन है, ठीक है ना, आज ये पेन किलर और ये सारी चीज़ें तो आज ईजाद हुई है ना, एलोपैथिक सिस्टम जो है वो सिर्फ 800 साल पुराना है, जबकि हमारा जो आयुर्वेद है या जो कुदरती जो इलाज है वो तो 5000 साल से भी पुराना है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इलाज नहीं है, और ये है कि हम लोग भूल गए। एग्जैक्टली, विश्वास होना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि क्योरेबल भी है और 100% क्योर हो भी जाता है। जी दोस्तों, आज आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में हमने बात की पेन मैनेजमेंट के बारे में। अगर आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225 RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2867-0380, 02-2867-0381, 09146-038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। डॉक्टर कुशवाहा, केवल के स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और पेन मैनेजमेंट के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ का यही मकसद है कि आपकी दर्द भरी जिंदगी में राहत की सांस डाल सके। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.